नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बुलंदशहर से बड़ी खबर है, बैंक लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और लूट के 12 लाख रुपए अवैध असलहा भी इनके पास से बरामद किया गया है। सियाना के बैंक में 2 अप्रैल को 18 लाख रुपए की लूट हुई थी और तभी से इन बदमाशों की पुलिस को तलाश भी थी। स्वाट टीम और सियाना पुलिस से ये मुठभेड़ हुई है। सभी 3 आरोपियों को, बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 12 लाख रुपए जो कि लूटे गए थे बैंक से, वो भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ अवैध तमंचा भी इनके पास से बरामद किया गया है। तो सियाना के बैंक में 2 अप्रैल को 18 लाख रुपए की लूट हुई थी। स्वाट टीम और सियाना थाना पुलिस की इन बदमाशों के साथ में मुठभेड़ हुई है। इनके पास से 12 लाख रुपए जो कि लूटे गए थे वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ अवैध असलहा भी बरामद किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उधमसिंह नगर से बड़ी खबर है, किच्छा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला। कांग्रेस के नेता गुलशन सिंधी पर जानलेवा हमला हुआ है। घायल अवस्था में रुद्रपुर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है और हमले के बाद किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ धरने पर बैठ गए हैं। चुनावी रंजिश के चलते हमले का उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता पर उधम सिंह नगर के किच्छा में जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल घायल अवस्था में रुद्रपुर के अस्पताल में कांग्रेस के नेता को भर्ती कराया गया है और इसके अलावा तिलकराज बिहड़ पर तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता वो धरने पर बैठ गए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते ये हमला किया गया है और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है। पुलिस के साथ में बहस करते हुए भी कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। दर्दनाक घटना है, मैंने पूरी घटना एसएसपी साहब को बताई है। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, इस पर कार्रवाई होगी, पर 2 घंटे हो गए कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही कोतवाल ने फ़ोन उठाया, लगातार बिजी फ़ोन उनका जा रहा था। मैंने 2 घंटे तक कोशिश की उनसे बात करने की, सीईओ से बात करने की, पर इन लोगों ने कोई फ़ोन नहीं हमारे अटेंड किए।